वीआईपी को मुख्य मंच पर लेकर जाते हैं और वीआईपी के द्वारा उपस्थित जनसमूह का अभिवादन किया जा रहा है। आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, नियमित बातम्या व माहिती आपल्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी बेल बटनला प्रेस करा आणि लाईक करा, शेअर करा। खतरे को चैलेंज करता खुद को खतरे तथा वीआईपी के बीच में लाता है, इसे हम इंटरपोज कहते हैं। साथ ही वीआईपी को सुरक्षा कवर देते हुए इवैक्यूएशन की कार्रवाई की जा रही है और अभी आप देख रहे हैं कि अंतिम पीएसओ ने भी कारगेट को हैरतअंगेज तरीके से टैक्टिक्स के द्वारा ज्वाइन कर लिया गया है और वीआईपी का फिर बड़ा धमाका सेफ हाउस की तरफ बढ़ते हुए आईडी द्वारा कारगेट निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन गाड़ी आप कंटिजेंसी रूट पर पीछे की तरफ बढ़ती हुई अभी आप देख रहे हैं और 180 डिग्री का हैरतअंगेज टर्न तथा डिफेंसिव ड्राइविंग स्किल को नाकाम किया गया। सही समय सही निर्णय के अनुपालन और आप देख सकते हैं वीआईपी टारगेट कंटीजेंसी रूप में एक बार फिर से कंटीजेंसी सेफ हाउस की तरफ बढ़ता हुआ नाकाम। हताश हमलावर वीआईपी व्हीकल का दो गाड़ियों से पीछा कर रहे हैं, सुरक्षा की दृष्टि से गाड़ियों की गति को धीमा किया गया है। वास्तविकता में यह गति और भी अधिक होती है। पीछा कर रही गाड़ियों को देखकर पीएसओ जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं तथा मुख्य सुरक्षा प्रभारी द्वारा सूचना रूप पर तैनात सीआईएसएफ क्यूआर टीम को दी जा चुकी है। प्रभावी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है, उद्देश्य है वीआईपी को सुरक्षित रखना। और अभी आप देख रहे हैं वीआईपी सुरक्षा का मूल मत और आप देख रहे हैं गाड़ी को ब्लॉक किया जा चुका है और आपके सामने हैरतअंगेज तथा दुश्मन को चकित कर देने वाला जबरदस्त आघात। इससे पहले की कार में मौजूद संदिग्ध व्यक्ति परिस्थिति को समझ पाते क्यूआरटी टीम ने बिजली की गति से हमला करके बिना समय गवाए दुश्मन को काबू में करने का सफल प्रयास किया। वीआईपी सुरक्षा का मूल सिद्धांत है वीआईपी को खतरे से दूर ले जाना या खतरे को वीआईपी से अलग करना। खतरे एवं वीआईपी का मिलना सुरक्षा तंत्र की असफलता माना जाता है। इससे पहले की कार में मौजूद संदिग्ध समझ पाते क्यूआरटी टीम ने बिजली की गति से हमला करके बिना समय गवाए दुश्मन को काबू में कर लिया तथा पूछताछ के लिए लेकर चले गए। पूछताछ में पता चला कि हमलावरों के अन्य साथियों द्वारा किसी बस को हाईजेक करने तथा कार को ब्लास्ट करने की योजना बनाई गई है। आप सभी का ध्यान मैदान की बाई ओर ले जाना चाहूंगा जहां से गुजरती हुई एक बस पब्लिक मीटिंग में आए कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही है। इस बस के यात्री आने वाले खतरे से बेखबर है, आतंकवादी द्वारा इसी बस को हाईजेक करने की योजना बनाई गई है और अभी आप देख रहे हैं मैदान की दाहिनी ओर दो आतंकवादियों ने फायरिंग करके बस को रोक लिया है और बस में दाखिल हो रहे हैं। इस बस को हाईजेक करने की योजना आतंकवादियों ने बनाई है। आधुनिक हथियारों विस्फोटों से लैस इजी टारगेट के इंतजार में घात लगाकर बैठे आतंकवादी अपने प्रयास में सफल हो रहे हैं। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि विध्वंसकारी मानसिकता वाले तत्वों द्वारा बड़ी संख्या तथा बड़े स्केल पर कैजुअल्टी होने की योजना उनके रणनीति का हिस्सा होती है ताकि सुरक्षा एजेंसियों पर दबाव बनाया जा सके। यह बस इजी टारगेट हो सकती है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमलावरों ने बस को हाईजैक कर लिया, हमलावरों ने यात्रियों को बंधक बना लिया है तथा उन्होंने यात्रियों को प्रताड़ित करना चोट पहुंचाना भी शुरू कर दिया है। अभी किसी तरह की फायरिंग नहीं हो रही है, अतः इस सिचुएशन अब फायरिंग की शुरुआत हो गई है। यह होस्टेज का इस सिचुएशन से आगे की स्थिति है। इस एक्टिव शूटिंग की स्थिति में वहां मौजूद क्यूआरटी टीम कॉम्प्रोमाइज अथॉरिटी, जी हां कॉम्प्रोमाइज अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हुए बस इंटरवेंशन की कार्रवाई करती है। मुख्यतः इस प्रकार की कार्रवाई एक तेज फिजिकल असॉल्ट होती है जिससे दुश्मन से सामना होने पर बेझिझक डेडली फोर्स का प्रयोग कर उसे नष्ट किया जा सके। आपके समक्ष चलती गाड़ी में चलती बस में प्रवेश करने का शानदार एवं हैरतअंगेज प्रदर्शन। इस अत्यंत जोखिम भरे कार्य को अंजाम देने के लिए आवश्यकता होती है शक्ति, निष्ठा, सामर्थ्य और समर्पण की और इन सभी क्रियाओं में दक्ष सीआईएसएफ क्यूआरटी के सदस्य बखूबी ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। क्लियर विजन तथा कंट्रोल लोकेशन का होना बहुत आवश्यकता होता है ताकि होस्टेज तथा होस्टाइल में फर्क को पहचाना जा सके। और अब आपके समक्ष पूरा बस से दूसरे छोर पर छत पर क्यूआरटी टीम द्वारा चलती हुई गाड़ी में दाखिल होने का प्रदर्शन, शानदार हैरतअंगेज प्रदर्शन। किसी भी विकट परिस्थिति का सामना करने के लिए सीआईएसएफ पार्को ट्रेन ट्रेनिस क्यूआरटी तथा महिला दस्ते को बल इंटरवेंशन के लिए तैनात किया गया तथा स्नाइपर्स भी अपनी अपनी लोकेशन पर पूरी तरह से तैनात है। दस्ते के द्वारा पार्कूर ट्रेनिंग टेक्निक से चलती बस में घुसकर हमलावरों को काउंटर किया जाएगा तथा बस को एक अन्य व्हीकल के द्वारा अभी आपकी समक्ष ब्लॉक किया जा चुका है। आप देख रहे हैं महिला स्क्वाड सदस्यों द्वारा टैक्टफुली एडवांस किया जा रहा है बस इंटरवेंशन करके इवैक्यूएशन एवं सर्च की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं इम्प्रोवाइज क्लाइंबिंग मेथड द्वारा बस की छत पर पहुंचकर छत को क्लियर किया जा रहा है। दक्ष कार्य कुशल एवं प्रभावी आघात करने में माहिर, जी हाँ दक्ष कार्य कुशल एवं प्रभावी आघात में माहिर सीआईएसएफ का महिला दस्ता 8,500 की संख्या के साथ महिला बल सदस्य शक्ति के साथ महिला दस्ते ने उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। अभी आप देख सकते हैं हम आपको
बता दें कि इस ऑपरेशन के दौरान चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड.